चल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राखी पर रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। 21 से 23 अगस्त तक रीवा और हबीबगंज स्पेशल ट्रेन चलेगी। राखी पर भोपाल से सिंगरौली के बीच भी स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। भोपाल दुर्ग स्पेशल ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाया जाएगा, इससे कंफर्म टिकटधारी ही यात्रा कर सकेंगे। राखी पर रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। 21 से 23 अगस्त तक रीवा और हबीबगंज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, साथ ही भोपाल से सिंगरौली के बीच भी स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। तो भोपाल दुर्ग स्पेशल ट्रेन में अतिरिक्त कोच भी लगाया जाएगा, जिसमें कंफर्म टिकटधारी ही यात्रा कर सकेंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रिजवान लगातार बने हुए हैं। रिजवान, रक्षाबंधन का त्योहार है कल, और त्योहारों में अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ट्रेनों में देखी जाती है, टिकट भी कंफर्म नहीं होते, और अभी भी यही हालत है कि रीवा से भोपाल के बीच और हबीबगंज से रीवा के बीच बहुत ही ज्यादा आवागमन देखने को मिलता है। ऊपर से ट्रेन भी एक है, रिवांचल एक्सप्रेस, तो उस कारण से ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग जो होते हैं तो टिकट कंफर्म ना हो पाने के कारण नहीं जा पाते। इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। कहाँ कहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल रुचि, साफ तौर से राखी का त्यौहार है और लोग अपने घर और जाते हैं और राखी बांधते हैं, जिसको लेकर किसी के कई लोगों को जो है टिकट कंफर्म नहीं मिल पाता। उसके बाद जो है रेल मंडल ने फैसला लिया है कि अब स्पेशल ट्रेन जो है 21 से 23 अगस्त तक चलाई जाएगी। साफ तौर से रीवा से हबीबगंज से रीवा तक जो है स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, और इसमें भोपाल से दुर्ग जो स्पेशल ट्रेन है उसमें अतिरिक्त कोच लगाया गया, जिसमें जो टिकट है जिनके कंफर्म टिकट है वही सफर कर पाएंगे। रेल मंडल का यही कहना है जो ज्यादा से ज्यादा जो है ये प्रयास किया जाएगा, जो जिन लोगों को जो अपने घर नहीं जा पाते, टिकट जो कंफर्म नहीं हो पाते, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है ताकि वो आराम से अपने घर जाके घर जा सके। 21 से लेकर 23 अगस्त तक ये जो ट्रेन है स्पेशल ट्रेन, ये चलाई जा रही है। जी जी बिल्कुल रिजवान, हबीबगंज से रीवा के बीच में सिंगरौली तक के लिए, साथ ही दुर्ग के जो ट्रेन है उसमें भी स्पेशल कोच जोड़ा जा रहा है। क्या अन्य राज्यों के लिए भी ट्रेनों में बढ़ोतरी की गई है, कोई स्पेशल ट्रेन जैसे कि उत्तर प्रदेश कहें या फिर महाराष्ट्र करें, अन्य राज्यों के लिए भी ये सुविधा चालू की गई है? तो रक्षाबंधन का त्योहार है कल, और त्योहार के समय में कई यात्री होते हैं जो अपने गृह क्षेत्र में जाने से चूक जाते हैं, क्योंकि ट्रेनों में लंबी वेटिंग और वेटिंग की वजह से उन्हें ट्रेनों में जाने को नहीं मिल पाता। और इसी को लेकर 21 से 23 अगस्त तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हबीबगंज से रीवा तक एक स्पेशल ट्रेन, वहीं हबीबगंज से सिंगरौली तक भी ट्रेन चलाई जा रही है। साथ ही भोपाल दुर्ग स्पेशल ट्रेन में भी एक अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है ताकि जो भी यात्री हैं वो सफर कर सकें, और इसमें लेकिन कंफर्म टिकटधारी ही जो होंगे वो सफर कर सकेंगे। तो राखी पर रेल मंडल ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है।